नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में जो फर्स्ट पेपर है जीके का, उसमें जनरल साइंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तक के बारे में। इसका जो चैप्टर पहले के थे चैप्टर हैं वो भी उत्तक के बारे में है, और आज का ये चैप्टर 4 है। इससे पहले 3 चैप्टर साइंस के बना चुके हैं फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग, उनको ज़रूर देखिएगा। हर चीज़ स्टेप बाई स्टेप है, तो कोई भी वीडियो अगर आपके सामने ये आता है तो आप उससे पहले के वीडियो अगर नहीं देखें तो उनको कंटिन्यू आप ज़रूर देखिएगा। एक सीरीज है ये, एक सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं हम। देखिए, इससे पहले आपसे मैंने चैप्टर 3 में कुछ क्वेश्चन पूछे थे और सभी विद्यार्थियों ने उसका बिल्कुल सही जवाब दिया था। क्वेश्चन क्या था कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, उसका सही आंसर था राइबोसोम, और कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहते हैं, तो वो था माइटोकॉन्ड्रिया। सभी विद्यार्थियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत ही अच्छा है, वेरी वेरी गुड। आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। ये सेल्स वाले वीडियो में बताया था आपको, कोशिका वाले में, जो कि चैप्टर 2 था। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से लिखेगा, थोड़ा सावधानी पूर्वक लिखेगा इसका, क्योंकि आपको उसमें मैंने 3 चीज़ें बताई थी, सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका है उसके बारे में तो लिखा भी था वो नोट्स में, लेकिन सबसे छोटी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका इनके बारे में लिखा हुआ नहीं था, सिर्फ आपको बोल के बताया था। तो आपको ये बताना है कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो आज हम शुरुआत करते हैं, और देखिएगा ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है टिश्यू का, ये पूरा कंप्लीट होते ही आपसे इसका टेस्ट पेपर लिया जाएगा, जो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जितने भी बनते हैं इनमें और जो पिछले वर्षों के अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं। तो उसके बाद ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर इनमें कोई ज़्यादा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, हर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, चैप्टर 3 में, ये हमारा लास्ट चैप्टर था, इसमें हमने क्या पढ़ा था उत्तक के बारे में। 2 मिनट में थोड़ा रिविज़न कर लेते हैं, उसके बाद आगे सीक्वेंस पढ़ेंगे इसको। क्या पढ़ा था कि कोशिकाओं का ऐसा समूह है जिनकी उत्पत्ति, रचना व कार्य समान हो, उत्तक कहलाता है। इसके बाद में हमने इसके नामकरण वगैरह देखे थे कई, ओतिकी, मायर, बीचट, मार्सेलो मेलपीगी, आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी याद करने की। उसके बाद हमने ये देखा कि उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं पादप उत्तक, एक होते हैं जंतु उत्तक। तो जो चैप्टर 3 था उसमें हमने विभाजोतिकी उत्तक के बारे में पढ़ा था। तो देखिए, ये जो है पादप उत्तक, ये 2 प्रकार के हैं, विभाजोतिकी उत्तक और स्थायी उत्तक। विभाजोतक उत्तक जो होता है, क्या होता है विभाजोतक उत्तक, जिसमें कोशिकाओं का लगातार विभाजन होता रहता है, ये 3 प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्वेशीन। ये तीनों कहाँ कहाँ होते हैं ये आपको बताया था। शीर्षस्थ जो होता है ये पौधे के सबसे शीर्ष भाग पे, तने के सबसे शीर्ष भाग और जड़ में पाया जाता है, जो कि पौधे की लंबाई के लिए उत्तरदायी होता है, उसकी वृद्धि के लिए। इसके बाद में पार्श्व, ये कहाँ पाया जाता है, तने में, ये तने की मोटाई के लिए उत्तरदायी होता है, तने की जो मोटाई बढ़ती है वो इसी के कारण। और तीसरा था अंतर्वेशी, जो पर्व संधियाँ होती हैं। क्या होती है पर्व संधियाँ, ये जैसे तना है तो इस तने से जिस स्थान से भी पत्तियाँ या टहनियाँ जो भी निकलती हैं उस स्थान को कहते हैं पर्व संधियाँ, तो वहाँ पर पाया जाता है अंतर्वेशी। ये देखिए, ये डायग्राम दिखाया था आपको, शीर्षस्थ, ये अंतर्वेष्टि, अंतर्वेशी, वो एक ही बात है। ये पर्व संधियाँ जो आप देख रहे हैं, ये साइड में जो टहनी निकली हुई है या पत्तियाँ निकले, तो इसको हम पर्व संधियाँ कहते हैं। और तने की मोटाई के लिए जो उत्तरदायी होता है ये बीज के स्पेस के लिए, इसको कहते हैं पार्श्व। तो ये पढ़ा था विभाजोतक उत्तक क्या होता है, और शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्वेष्टि या अंतर्वेशी। अब हम आज पढ़ने वाले हैं जो दूसरा भाग है इसका, स्थायी उत्तक, परमानेंट टिश्यू, और बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाली जगह है ये, सरल उत्तक और जटिल। देखिए स्थायी उत्तक जो होता है इसके बारे में मैं आपको 3-4 मिनट समझा देता हूँ, उसके बाद हम इनके नोट्स देखेंगे कि किसमें मैंने क्या क्या जो महत्वपूर्ण फैक्ट शामिल किए हैं। एक बार आपको 5 एक साथ बता देता हूँ कि मर्द उत्तक, स्थूल कोण उत्तक, दृढ़ उत्तक, जाइलम और फ्लोएम उत्तक, या फिर होते क्या हैं। देखिए
विभाजोतक ऊतक जो होता है जिसमें कोशिकाओं का विभाजन होता है, यही ऊतक आगे जाकर के किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू में आगे अब कोशिकाओं का विभाजन नहीं होता, कोशिकाएं परिपक्व स्थिति में पहुंच जाती हैं। जैसे सिर्फ समझने के लिए आपको एक एग्जांपल दूं, कोई भी मनुष्य है, हाइट एक उम्र तक बढ़ती है, ऊंचाई जो है 20-21 साल तक हाइट बढ़ती है, उसके बाद उस मनुष्य की हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। अब वो 21 साल में जैसा दिख रहा है, जितनी उसकी हाइट है उतनी ही ऊंचाई उसकी 30 साल में नजर आएगी, उतनी ही ऊंचाई 50 साल में नजर आएगी। क्यों? अब वो हाइट बढ़ना उसकी बंद हो चुकी है। तो वैसे आप इसको समझ सकते हैं, स्थायी ऊतक में कोशिकाओं का विभाजन होना बंद हो जाता है, यहाँ विभाजन नहीं होता है, और इसमें मृत कोशिकाएं काफ़ी मिलेगी हमें देखने को, मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। स्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू। अब स्थायी ऊतक जो होता है जिसमें कोशिकाओं का आगे विभाजन नहीं होता, कोशिकाएं परिपक्व अवस्था में पाई जाती है, ये दो प्रकार का होता है, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक क्या होता है? सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसमें कोशिकाएं, जिसमें ऊतक एक जैसी कोशिकाओं से मिलके बनते हैं। कोशिकाएं हैं जैसे, सब ये एक जैसी हैं सारी, तो इनको हम कहेंगे सरल परमानेंट टिश्यू। दूसरा होता है जटिल या कॉम्प्लेक्स। ये कौन से स्थायी ऊतक होते हैं? जिनमें अलग अलग कोशिकाओं से मिलके ऊतक बनते हैं, जैसे जाइलम फ्लोएम है, तो हम ये देखेंगे कि ये अलग अलग कोशिकाओं से मिलके बनते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आता है मर्द ऊतक। ये तीन पार्ट हैं, इनके तीन याद करने हैं आपको सरल के, मर्द ऊतक, स्थूल और दृढ़। अब ये क्या होता है, देखिए इनके इंग्लिश नेम भी हैं, वो भी हम देखेंगे। मर्द ऊतक जो होता है, सबसे मुख्य काम होता है भोजन का संचय करना, निर्माण करना भी होता है, भोजन का संग्रह करना, संचय करना, और इसके साथ ही पौधों को मजबूती देने का काम भी करते हैं। हालांकि देखिए, पौधों को मजबूती देने का काम ये तीनों ही करेंगे, लेकिन पूरी तरह से केवल जिसका काम ही पौधे को मजबूती देना है तो वो तो थर्ड होगा, दृढ़। लेकिन मर्द ऊतक जो है ये भी काम करता है पौधे को मजबूती देने का, लेकिन सबसे प्रमुख काम है भोजन का संचय करना, किसका? मर्द ऊतक का काम होता है। या जैसे मान लीजिए, जो शुष्क क्षेत्रों में वनस्पति होती है, जो मरुद्भिद पौधे होते हैं, उनमें जल का संग्रह का काम कौन करेगा? यही मर्द ऊतक करता है। दूसरा आता है स्थूल कोण ऊतक। ये क्या होता है, आपने देखा होगा कि कुछ पौधे हैं जैसे, और जब हवा चलती है तो वो जिधर बहाव होता है हवा का, वो पौधे भी उधर ही मुड़ जाते हैं, और जो ही हवा रुकी वो पौधे वापस सीधे हो जाते हैं। यानी पौधों में लचीलता भी है, ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, पौधों में लचीलता भी है कि वो जिधर हवा आए, आंधी आए, तूफान आए, उधर मुड़ सकते हैं उसके बहाव के साथ, लेकिन मजबूत भी हैं। ऐसा नहीं है हवा आई वो टूट के गिर गए। तो ज़्यादातर ये स्थूल कोण कहाँ पाए जाते हैं? जो द्विबीजपत्री होते हैं, जैसे चना है जिसमें दो बीज हमें देखने को मिलते हैं, तो ऐसों के अंदर हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो स्थूल कोण तक जो होता है, ये स्थूल ऊतक, इसका सबसे मुख्य काम क्या होता है? पौधे को मजबूती के साथ लचीलता प्रदान करना। तीसरा होता है दृढ़ ऊतक। इसका काम क्या होता है? नाम से क्लियर है, पौधे को दृढ़ता प्रदान करना। जैसे आपने ये फल फूल में भी पाया जाता है, जैसे मान लीजिए नारियल के ऊपर जो रेशे होते हैं, नारियल के ऊपर जो रेशे होते हैं, लंबे लंबे रेशे होते हैं, आपने जूट देखा होगा, ये किसके बने होते हैं? इसी दृढ़ ऊतक के बने होते हैं। जैसे और एग्जाम्पल दूं, नाशपाती है, नाशपाती अंदर से बहुत हार्ड होती है, नाशपति हमने खाई है, नाशपति हार्ड होती है, अमरूद भी हार्ड होता है, वो उसके अंदर का जो भाग होता है वो किसका बना होता है? इसी दृढ़ ऊतक का बना होता है। तो ये इनके प्रमुख काम होते हैं। अब इसके बाद में आता है जटिल ऊतक। जटिल ऊतक क्या होता है? जो अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं उनको कहते हैं जटिल ऊतक। जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहा जाता है। संवहन, संवहन क्या होता है? वाहन। यानी ये दोनों वो वाहन हैं जिन पे कुछ बैठ के एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा। अब कौन सा कहाँ जाएगा? तो सबसे पहला है जाइलम। पौधे के अंदर जो जल और खनिज तत्व होते हैं, खनिज लवण जो होते हैं, उनको जड़ से
हम देखिए, जब पौधे को पानी देते हैं तो कहाँ जाता है? वो जड़ में जाता है, खनिज लवण है, जड़ में जाएंगे। यानी पौधे की जड़ से जल और खनिज लवणों को पूरे पौधे तक, आगे तक ले जाने का काम, उसके तने तक, फूल, पत्तियां, आगे सब स्थान पर ले जाने का काम कौन सा ऊतक करता है? यही जाइलम ऊतक करता है। और फ्लोएम का काम क्या है? तो जो पत्तियां होती है पर्ण हरित, जिनमें भोजन संश्लेषण, जिनमें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण होता है, तो पत्तियों से उस भोजन को, जब भोजन का निर्माण हो चुका है पर्ण हरित के द्वारा, अब वो भोजन उन पत्तियों से पूरे पौधे तक पहुंचता है। ये काम कौन करता है इनको लेके जाने का, भोजन का? ये होता है फ्लोएम। यही इनमें बेसिक चीजें हैं और यही अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब देखिए क्या होता है स्थायी ऊतक, अब हम पढ़ लेते हैं इसको। विभाजोत्तक कोशिकाएं विभाजित होकर के विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों का निर्माण करती हैं, परिपक्व अवस्था में तथा आगे विभाजित होने की क्षमता खो देती है। यानी आगे कोशिकाओं का विभाजन नहीं होता और वही कोशिकाएं कौन सी होती है? स्थायी ऊतक का निर्माण करती है, वह एक विशिष्ट कार्य करती है। तो अब ये जो प्रक्रिया है कि एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की जो क्रिया है इन कोशिकाओं की, उसे हम क्या कहते हैं? विभेदीकरण होते हैं। एक टर्म है, ध्यान रख लीजिएगा, एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया। इसके बाद में हम बात करते हैं सरल ऊतक। आपने देखा स्थायी ऊतक दो प्रकार का होता है, परमानेंट टिश्यू, सिंपल टिश्यू, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल जो होता है सरल ऊतक, इसमें क्या होता है? यदि स्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना हो उसे हम कहते हैं सरल ऊतक। तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला है मृदु ऊतक, दूसरा है स्थूल ऊतक, और तीसरा है दृढ़ ऊतक। इनके ये नाम आपको ध्यान में रखने। मृदु ऊतक का एक दूसरा नाम क्या है? यह है पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा, पेरे दूसरे में क्या है स्थूल का? कोलेनकाइमा। कोलेन इसमें पेरे है, आगे वाला नाम नए काइमा सेम है, इसमें शुरुआत में कोले है, नए काइमा सेम है। और तीसरा जो होता है दृढ़ ऊतक, इसको कहते हैं स्कलेरेन काइमा। तो इसमें शुरू में स्कलेरे होता है, इनमें कोले, इसमें पेरे। तो ये तीन नाम आपको ध्यान में रखने हैं, पेरेन काइमा, कोलेन काइमा और स्कलेरेन काइमा। अब ये तीनों क्या क्या होते हैं? मृदु ऊतक, स्थूल ऊतक और दृढ़ ऊतक। अब इन तीनों का अध्ययन हम तुलनात्मक रूप से करेंगे। आपने इतनी देर ध्यान से सुना है तो आपके लिए अभी बहुत इजी है। सबसे पहले बात करते हैं पेरेनकाइमा के बारे में। ये ऊतक कहाँ पाया जाता है? पौधे के कोमल भागों में पाया जाता है, जैसे जड़, तना, पत्तियां, फल, फूल इत्यादि में पाया जाता है। मुख्य काम आपको क्या बताया था? भोजन का संचय करना, भोजन का संग्रह करना, यही बताया था। ये कोशिकाएं प्राय जो है जीवित होती हैं। इसके अलावा इन कोशिकाओं के मध्य अंतरकोशीय स्थान होता है, वो अभी आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोशिकाएं हैं, ये गोल या अंडाकार भी होती है। अब जैसे ये कोशिकाएं हैं, इनसे मिलके ये ऊतक बना है। अब ये जो बीच में स्थान आपको दिख रहा है, ये जो बीच बीच में, बीच बीच में जो खाली खाली स्थान है, इसी को हम कहते हैं अंतरकोशिकीय स्थान। इसके अतिरिक्त कुछ मर्दूतकों में, यानी कुछ पेरेनकाइमा ऊतक में हरित लवक यानी क्लोरोफिल भी पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और भोजन का निर्माण होता है। इस चीज को हम क्या कहते हैं? तो कैलोरेन काइमा। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये शुरू में शब्द ही क्या है? क्लोरेन, जिसका मतलब ही होता है हरा, जैसे क्लोरोप्लास्ट। तो उस तरह से इस क्लोरे शब्द का मतलब ही होता है हरा। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? ये है क्लोरेन काइमा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कुछ जलीय पौधों में जो पेरेन काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी बड़ी गुहिकाएं यानी केविटी होती है, जो कि उस पौधे को तैरने में सहायता प्रदान करती है। आपने देखा होगा जो जलीय पौधे होते हैं वो कुछ पानी में लगातार तैरते रहते हैं, तो वो तैरते कैसे हैं? वो डूबते क्यों नहीं है? लगातार तैरते हैं वो, क्योंकि उनके मध्य, जो कोशिकाओं के मध्य हवा होती है, तो उनमें बड़ी बड़ी गुहिकाएं यानी खाली स्थान होते हैं इस प्रकार से,
हवा भरी होती है तो वो उन पौधे को तैरने में सहायता प्रदान करते हैं। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एरेनकाइमा। ये नाम लिखना रह गया इसमें, एरेनकाइमा कहते हैं इसको। किसमें? जलीय पौधे वाले का नाम जो है, तो ये क्या कहलाता है? एरेनकाइमा। ये दोनों जो हैं, पहला है ये क्लोरेनकाइमा, दूसरा है एरेनकाइमा। ये दोनों किसके प्रकार हैं? ये पेरेनकाइमा के ही प्रकार हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा आता है कोलेनकाइमा। ये क्या होता है कि पौधों में जो मजबूती के साथ लचीलेपन का गुण होता है वो किसके कारण होता है? इसी कोलेनकाइमा यानी स्थूल ऊतक के कारण होता है। ये भी जीवित सेल्स होती है, पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान कर, ये करती है यांत्रिक सहायता, यानी पौधे को मजबूती बनाए रखने में। इनमें अंतरकोशीय स्थान बहुत कम पाया जाता है या होता ही नहीं है। ये एपिडर्मिस के ठीक नीचे पाई जाती है। अब देखिए ये एपिडर्मिस क्या होती है, तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि सेल्स की यानी जो कोशिका की सबसे बाहरी परत तो है वो एपिडर्मिस कहलाती है। तो ये एपिडर्मिस के ठीक नीचे पाई जाती है और इनके अंदर अंतरकोशीय स्थान होता है, अंतरकोशिकीय स्थान वो ना के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सेलुलोज व पैक्टीन जमा होता है। इसके बाद में तीसरा आता है स्कलेरेनकाइमा, दृढ़ ऊतक। नाम से क्लियर है दृढ़ ऊतक, तो ये मृत कोशिकाएं होती है। आप देखते हैं पौधे की जो छाल वगैरह है बाहर मजबूत जो दिखती है वो, तो वो सब यही है, दृढ़ ऊतक ही है वो, स्कलेरेनकाइमा ही है। मुख्य कार्य होता है पौधे को सारा और यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। जैसे नारियल का रेशे छिलका होता है वो इसी ऊतक से बना होता है, दृढ़ ऊतक से। इसकी भित्ति जो है वो लिग्निन के कारण मोटी होती है। अब ये लिग्निन क्या होता है, ये नाम यहाँ प्रयोग होगा इसमें दृढ़ ऊतक में। तो क्या होता है लिग्निन? कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट का कार्य करने वाला एक रासायनिक पदार्थ होता है लिग्निन, जिसके कारण इसकी जो भित्ति है वो मोटी होती है और उसी के कारण इसमें दृढ़ता पाई जाती है। जैसे मान लीजिए फेविकोल है, तो फेविकोल का नाम तो हमने सुना है, देखा भी है, वो चिपकाने का काम करता है। उसी प्रकार से ये एक रासायनिक पदार्थ होता है लिग्निन। नेक्स्ट है, यह ऊतक तने, पत्तों की सिराओं, बीज, फल के कठोर छिलके इत्यादि में पाया जाता है। कौन सा? दृढ़ ऊतक। तो ये तीन प्रकार देखे हमने, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्कलेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा जो है ये मुख्य रूप से भोजन के संचय का काम करता है, कोशिकाओं के मध्य अंतरकोशिकीय स्थान होता है। कुछ मर्दू ऊतक यानी जो पेरेनकाइमा है इनमें हरित लवक पाया जाता है और क्लोरोफिल जो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। ये क्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है क्लोरेनकाइमा। और कुछ जलीय पौधे होते हैं तो वो तैरते कैसे रहते हैं पानी में? क्योंकि उनके अंदर जो ये पेरेनकाइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएँ पाई जाती है, कैविटी, खाली स्थान होता है, तो जो कि इनको तैरने में सहायता प्रदान करता है। उसके बाद में हमने देखा कोलेनकाइमा और स्कलेरेनकाइमा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जटिल ऊतक के बारे में। देखिए जटिल ऊतक यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये भी स्थायी ऊतक का दूसरा प्रकार है। क्या होता है जटिल ऊतक? जब स्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जटिल ऊतक कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, जाइलम और फ्लोएम। आप देखिए थोड़े से इनके नाम के प्रकार हैं अलग अलग, वो भी देख लीजिएगा। रेड कलर में जो भी हैं वो सब जाइलम के दूसरे नाम हैं। जाइलम को हम कास्ट भी कहते हैं, वुड भी कहते हैं, दारू ऊतक भी कहते हैं इसको, और तरल सहवन ऊतक भी कहते हैं। ये चारों जाइलम के ही नाम हैं, कास्ट, दारू ऊतक, तरल सहवन ऊतक। और फ्लोएम जो होता है इसी का दूसरा नाम है पोषवाह ऊतक, और तीसरा नाम है खाद्य सहवन ऊतक। खाद्य क्यों? क्योंकि भोजन को पत्तियों से बाकी पौधे के भागों तक ले जाने का काम कौन करता है? फ्लोएम। और जाइलम को हम तरल, ये नाम क्यों आया है? क्योंकि जल, मुख्य रूप से जल और खनिज लवणों को जड़ से पौधे के बाकी भागों तक पहुंचाने का काम करता है जाइलम। और चूंकि दोनों को ही हम सहवन ऊतक कहते हैं, क्योंकि दोनों को ही काम जो होता है वो इन चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना होता है। सबसे पहले जाइलम के बारे में बात करते हैं। जाइलम चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हमने अभी अभी ऊपर देखा था कि जटिल ऊतक होता क्या है,
जटिल ऊतक क्या होता है? एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। तो यहाँ यही देख लीजिए, ये चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है जाइलम ऊतक। पहला क्या नाम है? जाइलम ट्रेकिट। इस ट्रेकिट को वाहिनिका भी कहते हैं। दूसरा है वाहिका, ये सबसे महत्वपूर्ण है इसकी चार कोशिकाओं में। तीसरा है, तीसरी कोशिका जो है वो है जाइलम पेरेन्काइमा। और फोर्थ है जाइलम फाइबर या रेशे। इस फाइबर की जगह कई बार जाइलम स्क्लेरेन्काइमा भी लिखा होता है। ये पेरेन्काइमा नाम हमने पहले भी पढ़ा है, मृदु ऊतक वाला जो नाम था, और स्क्लेरेन्काइमा भी देखा है, दृढ़ ऊतक वाला। तो इन चारों से मिलकर बनता है जाइलम ऊतक। काम हमने देख लिया, इसका क्या काम होता है? पौधे तथा खनिज लवणों को जड़ से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना। ये डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। ये पौधा है, ये जड़ है, यहाँ जल व खनिज लवण जो भी हैं इनको पौधे के बाकी भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम। और देखिए, जाइलम के अंदर ही हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है कि किसी पौधे की आयु हम कैसे निकालते हैं, कि ये पौधा जो है, ये पेड़ जो है, ये वृक्ष 50 वर्ष पुराना है, 100 साल पुराना है, 200 साल पुराना है, 20 साल पुराना है। वो उस पर वलय होती है, वार्षिक वलय होती है, उन वलयों को गिनते हैं और उन्हीं को गिन के हम बता सकते हैं कि इस पौधे की आयु कितनी है। तो वो गिनते कहाँ से हैं? वो इसी जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिन करके। देखिए, पौधे की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय यानी एनुअल रिंग को गिन करके और हम उसकी आयु बताते हैं। और ये विधि क्या कहलाती है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। पौधे के वार्षिक वलयों को जो गिनने की विधि है ये क्या कहलाती है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। देखिए, कुछ शब्द हैं वो उनका हमेशा ध्यान में रखिएगा। लॉजी शब्द जो होता है इसका मतलब होता है अध्ययन करना। फिर आता है ये शब्द क्रोनो। क्रोनो शब्द का मतलब होता है टाइम यानी समय। तो ये कुछ नाम ध्यान में रखिए। आपको अभी डायग्राम भी दिखाऊंगा इनका मैं, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फ्लोएम क्या होता है ये आपको बता चुके हैं, चार कोशिकाओं से मिलकर बनता है। चालिन नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे। इसमें देखिएगा कि इसमें जो फ्लोएम रेशे वाली कोशिका है ये मृत होती है, बाकी तीनों जीवित होती है। जबकि जाइलम के अंदर जो तीसरे वाली है जाइलम पेरेन्काइमा, केवल ये जीवित होती है, बाकी तीनों मृत होती हैं। तो ये थोड़ा आप ध्यान में रखिए। काम क्या होता है फ्लोएम का? पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। बस इसी के साथ ये समाप्त होता है। आप दो तीन बार रिवीजन कीजिएगा, अपने क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। मैं जितना इनको शॉर्ट में आपको बता सकता था उतना मैंने कोशिश की है, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट इनमें इंक्लूड करने की कोशिश की है कि आपकी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। आप इनको दो तीन बार अच्छे से सुनेगा पूरे वीडियो को, आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। ये देखिएगा, ये कुछ पेजेस हैं, जैसे एनसीईआरटी के अंदर ये फोटो है, कोई भी तना है उस तने का सेक्शन, तने को काटने के बाद में हमें क्या नज़र आता है? तो ये उनके नाम हैं। जैसे सबसे बाहरी परत देखिएगा, ये एपिडर्मिस है, इसके बाद में ये अंदर की हाइपोडर्मिस है, फिर कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पैरासाइकल। ये फ्लोएम देखिए, येरा फ्लोएम, ये फ्लोएम हमें नज़र आएगा, ये यहाँ फ्लोएम है। कैम्बियम देखिए, जो वार्षिक वलय हम देखते हैं जाइलम के ऊतक से, जो जाइलम ऊतक के माध्यम से, दरअसल जाइलम के अंदर भी हमें मुख्य रूप से पता चलता है इस कैम्बियम के द्वारा। इसके द्वारा पता चलता है उसकी आयु की जो गणना करते हैं उसका मुख्य सोर्स ये कैम्बियम। ये भी हालांकि एक प्रकार का ऊतक होता है कैम्बियम। उसके बाद जाइलम, सहवन बंडल और पिथ। ये सहवन बंडल क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम जो दोनों सहवन ऊतक कहलाते हैं, और ये सहवन ऊतक मिलके ही सहवन बंडल का निर्माण करते हैं। ये देख लीजिए, दूसरा चित्र है पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। पेरेन्काइमा कौन सा है? मृदु ऊतक, और कोलेन्काइमा स्थूल ऊतक। ये दोनों के चित्र हैं। पहला चित्र है मृदु ऊतक का और दूसरा है स्थूल ऊतक का। तो आप इनकी संरचना देखिए किस प्रकार से होते हैं। ये अंतरकोशी के स्थान क्या है? ये बीच में जो आपको स्थान दिख रहा है खाली, ये सेल्स जो आपस में जुड़ी हुई है, और दूसरा कोलेन्काइमा है।
मृदु तक्के व कोशिका द्रव्य केंद्रक मध्य पटलिका, ये हमें देखने को मिलती है इस मृदु तक में। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, रसदानी को ही कहते हैं रिक्तिका, अंतराकोशिक स्थान प्राथमिक कोशिका भित्ति, और ये इधर सेकंड वाला है ये। और तीसरा उत्तक था हमारा दृढ़ उत्तक, जो सरल उत्तक था उसका तीसरा कौन सा था, दृढ़ उत्तक को क्या कहते हैं, स्क्लेरेन्काइमा। तो ये चित्र है उसका। और ये देखेगा जो हमने फ्लोएम और जाइलम, ये जो दोनों उत्तक देखे हैं जटिल उत्तक में, तो ये दोनों के चित्र दिखाए गए हैं जो कि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा नजर आते हैं। और इसमें देखिए जाइलम के अंदर हमने देखा कि ये जाइलम जो है वो चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है। पहला था जाइलम ट्रेकिट, वाहिका, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर रेसिंग। तो ये देखिएगा, ये पहला है ट्रेकिट, दूसरा है वाइका, तीसरा है जाइलम पेरेन्काइमा और चौथा है जाइलम फाइबर रेशे। और ये फ्लोएम का है, फ्लोएम भी आपको बताया चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है, साथी कोशिका, फ्लोएम पेरेन्काइमा, चालनी नलिका, चालनी प्लेट। और दोनों के हमने मुख्य काम देखे। जाइलम का क्या काम था, तो जाइलम में देखा कि इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी होती है, इनसे अधिकतर कोशिकाएं मृत होती है, जो आपको एक बताई थी। उसके अलावा ये जो जाइलम पेरेन्काइमा है, इसके अलावा ट्रेकिट और वाहिकाओं की संरचना नलिकाकार होती है, इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है, यानी ऊपर की ओर जाते हैं, चूंकि जड़ में होता है पानी और खनिज लवण, वहां से ऊपर की ओर संवहन करते हैं। पेरेन्काइमा भोजन का संग्रह करता है, फाइबर मुख्यतः सारा देने का कार्य करते हैं। उसके बाद हमने फ्लोएम देखा था, तो फ्लोएम में मुख्य लाइन यही है कि फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और काफी जो एनसीईआरटी के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं और जितने भी किताबें और नोट्स हैं और जो पिछले वर्षों के अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो उनके ध्यान में रखते हुए आपको टॉपिक करवा रहे हैं। तो आप अच्छे से पूरी ईमानदारी से पूरे वीडियो को देखिएगा, एक बार नहीं दो दो तीन तीन बार चर्चा बार देखते रहिएगा, आपके चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये काफ़ी कुछ कवर हो रहा है इनमें, और आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब ज़रूर बताइएगा लिख के, कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।